हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है रीना और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैसी बन बना के दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप एक मिनट से भी कम समय में अपना मैसी बन रेडी कर सकते हो और बालों के जो झंझट है लॉकडाउन टाइम में और गर्मी है उससे छुटकारा पा सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और इस टाइम में जो बाल हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आप कैसे अपने बालों से क्यूट सा और सुंदर सा लुक भी क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उनको टाई करके भी रख सकते हैं, तो उसका सबसे जो इजी फॉर्मूला होता है वो होता है मैसी बन। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मैंने ये मैसी बन क्रिएट किया। सो गाइज, आप लोगों को ये मैसी बन बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक कॉम और दूसरा ये रबर बैंड। ओके, तो इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके ही मैं आपको मैसी बन बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले से ही किए हुए हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि अपने बालों को हाई पोनीटेल की फॉर्म में एडजस्ट कर लेना है, जितना हाई पोनीटेल आपको चाहिए। ओके, लाइक दिस। साथ में ही आपको एक दो स्ट्रैंड्स निकाल लेने हैं जो आपको चाहिए हैं, अच्छे लगे आपको, लाइक ये। जितने स्ट्रैंड्स आपको चाहिए थोड़ा फैंसी लुक देने के लिए आपके मैसी बन को, आप निकाल लीजिए। एंड आफ्टर दैट आप एक हाई पोनीटेल की फॉर्म में इसको एडजस्ट कर लीजिए। उन स्ट्रैंड्स को वापस वहीं अपनी जगह पे छोड़ते हुए। ओके, अगर आप कॉम्ब की हेल्प से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने हैंड की हेल्प से भी ऐसे इनको इक्वल करते हुए कर सकते हो, जितना हाई पोनीटेल आप लोगों को चाहिए। ओके, और इसको और मैसी लुक देने के लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने हैंड्स यानी कि फिंगर्स की हेल्प से इसको आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, उसके बाद आपको रबर बैंड लेना है, जिस हैंड में भी आपको कंफर्टेबल लगे उसी हैंड में आपको रबर बैंड लेना है। अपने बालों को इस तरीके से हाई पोनीटेल की फॉर्म में ही पकड़ना है। ओके, इनको इस तरफ ऐसे छोड़ देना है, फिर रबर बैंड को ऐसे स्ट्रेच करना है और बालों को ऐसे निकालना है। आपको इसमें पूरे बालों को नहीं निकालना है, अपने इतने बालों को ही निकालना है, देखिए। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे स्ट्रेच करना है एंड ट्विस्ट करना है हेयर बैंड को, रबर बैंड को, और इसको आपको वापस से बालों को ऐसे डाल देना है। ओके, आपके बाल कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन में आ जाएंगे। तो इनको फैलाने से पहले आप क्या करेंगे कि आप इन बालों को एडजस्ट कर लेंगे। इन बालों को देखिए, जैसे मेरे काफ़ी हैवी हेयर्स हैं तो मैं इनको दो तरफ से करते हुए एडजस्ट करूँगी। अगर आपके कम बाल हैं तो आप एक तरफ से भी ट्विस्ट कर सकते हैं इसको, और अगर ज़्यादा हैं तो आप दोनों तरफ से भी ट्विस्ट कर सकते हैं। मेरे काफ़ी हैवी हेयर्स हैं तो मैं इनको दोनों तरफ से ऐसे ट्विस्ट करूँगी। ओके, इसको इनको प्रोटेक्ट करते हुए। ओके, और आपको अपने हेयर बैंड का ये सॉरी रबर बैंड को उठाना है और इसमें ऐसे इनको प्रोटेक्ट कर देना है। ओके, उसके बाद जो ये आपके हेयर्स हैं इनको आपको जिस तरीके से भी एडजस्ट करना है आप इनको एडजस्ट करिए। ये स्ट्रैंड निकल गया मेरा, इसको आपको रबर बैंड में ऐसे टाई कर देना है। थोड़े ऐसे स्ट्रैंड्स को आपको निकाल लेना है ताकि आपका जो बन है वो मैसी लगे अच्छे से।
डालते हुए ऊपर से बालों को लेते हुए, और इसको इस तरीके से अपने ही बालों में एक दूसरे में फंसा देना है। सो गाइस, आपका जो मैसी बन है वो रेडी है। सी, आप चाहें तो इन बालों को स्ट्रेटनर से या फिर कर्लर से, स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करके छोड़ सकते हैं, या कर्लर से कर्ल करके छोड़ना चाहें तो आप कर्लर से कर्ल करके भी छोड़ सकते हैं। मेरे थोड़े स्ट्रेट से ही बाल हैं और मेरे को ये ऐसे ही अच्छा लगता है, तो मैं इनको ऐसे ही एज इट इज छोड़ दूंगी। और ये जो है, इसको लिफ्ट करने के लिए आप थोड़ा ऐसे ऊपर उठा के कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इनको ऐसे ही छोड़ना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, न्यूट्रल। सो ये था मैसी बन, जिसे बनाने में 1 से 1.5 मिनट मुश्किल से लगता है। सो गाइज, लॉकडाउन का टाइम है, आप लोग भी नई नई हेयर स्टाइल्स अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। तो ये आप मैसी बन भी अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, एंड कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस का मैसी बन कैसा कैसा बना, कौन इसको बना पाया इजीली, किसका ज़्यादा टाइम लगा। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज, होपफुली आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।